कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण क्या दिया है। dy बाय dx बराबरी से 1 माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x का व्यापक हल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास दी गई कंडीशन क्या है। हमारे पास दी गई कंडीशन है dy बाय dx बराबरी से 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। हम में से सब जानते हैं किसकी वैल्यू, हम में से सब जानते हैं कि यदि क्या हो cos 2x हो, क्या हो cos 2x हो तो हम इसको क्या लिख सकते 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यदि यहाँ 2x की जगह केवल cos x हो, यदि 2x की जगह cos x होती तो हम इसको क्या लिख सकते 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। कहने का मतलब है यदि ये माइनस वन इधर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या 1 प्लस cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2। बिल्कुल सेम ऐसी ही कंडीशन दूसरे एक और पद की आती है और वो दूसरा पद हमारे पास है यदि 1 माइनस cos x हो तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इसी प्रकार से चेंज कर लेंगे dy बाय dx हो तो हम क्या लिखेंगे यार इसका अंश बदल जाएगा किस में 2 sin स्क्वायर x बाय 2, हर बदल जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ध्यान से देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब हम जानते हैं sin बटे cos 10 होता है इसलिए ये वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में बदल जाएगी dy बाय dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको 10 स्क्वायर x बाय 2। नेक्स्ट स्टेप यदि dy को इधर रहने दें हम तो dx इस प्रकार से dy इक्वल टू 10 स्क्वायर x बाय 2 dx। अब जब दोनों साइड कहेगा इंटीग्रेशन का साइन लगाए, दोनों साइड यदि हम क्या करें इंटीग्रेशन ले तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या 10 स्क्वायर x बाय 2 dx। हम जानते हैं किसकी वैल्यू, हम जानते हैं 10 स्क्वायर x को, हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर x हो तो इसको हम बड़ी आसानी से किसमें sec स्क्वायर, बड़ी आसानी से sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी को हम इसी प्रकार से चेंज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx। अब ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन dy y आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या sec स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन dx y इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय 2 2 tan x बाय 2 इसका इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। तो इस तरीके से इसका हल, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल धन्यवाद।